40 लाख के बड़े रूप में वो आपके वो ही व्यय है। वही तो जो व्यय आपने 10 लाख किया था वही तो बाद में बढ़ के मिला। तो व्यय कभी बढ़ता भी है कभी घटता भी। तो व्यय का मतलब सिर्फ घटना नहीं, व्यय का मतलब तो सिर्फ ये हुआ कि जो कभी घटे और कभी बढ़े वो व्यय है। तो अव्यय का मतलब हुआ ना व्यय, जो ना कभी घटे ना कभी बढ़े वो अव्यय। बोलो हाँ, जो कभी ना घटे ना बढ़े वो क्या है? अव्यय। और जो घटे बढ़े, जैसे मान लो कहें कि रामा एक है, रामों में दो है और रामा में दो से ज्यादा टू प्लस। बोलो तो, और रामा एक वचन है, रामो द्वि वचन है, रामा हम वचन है, तृतीया का बहुवचन आप पढ़ेंगे तो रामा भ्याम क्या है? तृतीया में रामायी क्या है? तृतीया के एक वचन में रामायण। तो जो रामा कभी रामो हो जाए, रामा हो जाए, कभी रामायण हो जाए, कभी रामा भ्याम हो जाए, कभी रामायी हो जाए, ये अव्यय नहीं है। क्योंकि कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं पर घट रहा है, कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं बहुत है। बोलो हाँ, इसके राम शब्द होते नहीं। बोलो ना कितनी अव्यय, अर्थात अव्यय की यही बड़ी उसके नाम के अर्थ को समझ रहे हैं। नाम के अर्थ, मान लो आप रमा रमे रमा, इसीलिए मान लो कोई आपको बताए जिसका रूप चले, जिसका रूप चलेगा चाहे एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, या प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी, जिसका भी रूप चलेगा वो कभी अव्यय नहीं हो सकता, वो कभी अव्यय नहीं हो सकता। अव्यय की यही सबसे बड़ी परिभाषा है, तो जैसा है वैसा ही रहता है। वो अपने अंदर किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं चाहता, वो अव्यय। बोलो हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊं इसका मतलब वो अव्यय नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं अरे जैसे है भैया वैसे, वो अव्यय। अव्यय मानसिकता कहती है कि जैसे है वैसे हो, और वे मानसिकता में हो सकता है बड़े बनने के चक्कर में आप छोटे हो जाओ, हो सकता है। बोलो हाँ, बड़े बनने के चक्कर में आप क्या हो जाए? आवाज लेना बैठ जाइए। अरे तो हम तो टहलते रहते हैं, आप उनका कहे देख रहे हैं, हमको नहीं देख रहे। हम इधर आते हैं तो हमको देखो, फिर हम इधर जाते हैं इधर से देखो, ऐसा थोड़ी कि हम भी खड़े हैं। आपका आई कांटेक्ट हमसे बना, वो भाई खाली है। हाँ ये बता रहे किधर आए, उधर जाए। तो मैं आपसे कह रहा था कि अव्यय और व्यय का, पहले व्यय और अव्यय का अर्थ समझ लें, फिर हम अव्यय की जो परिभाषा है उसको बताएंगे व्याकरण की दृष्टि से। तो इस चीज ना हमारे हृदय में धीरे से पहुंच जानी चाहिए, और जब कोई चीज हृदय में धीरे से पहुंच जाएगी तो फिर परीक्षा में आएगी तो आपसे वो गलत नहीं होगी। और यदि लिखी हुई परिभाषा ही हम रटाते रह जाएंगे तो आप असली में समझ भी नहीं पाओगे। और जिनको आपको समझाना है ना, माने प्राइमरी में आपको मास्टर होना और वहां समझाना, इसीलिए प्राइमरी वालों को BEd, BTC, BEd, BLed क्या क्या फलाना बहुत ट्रेनिंग। कभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देखा कि कोई ट्रेनिंग कराने ले जाते हैं? वो जानते हैं जब वहां तक जो उनके सामने बैठा ना वो बहुत समझदार बैठा, वो इंटर पास करके आया है, अब उसको अंदर एक बड़ी समझदारी आ चुकी है। इसीलिए मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब जिनको हमको पढ़ाना, सबसे कठिन काम है प्राइमरी और जूनियर में पढ़ाना, और पढ़ा के उनको समझा लेना, उनको चुप पे रखना, उनको बैठाए रखना 40 मिनट तक, उनका लड़ाई झगड़ा समेट लेना, उनका क्वचित खुद ही खोका देख लेना, कौनो लड़ेगा, कौनो कचीशन बनेगा, कौनो लड़ाई करेगा, कौनो भाग जाएगा, कौनो सुसु करने जाएगा, कौनो ओबे नहीं करेगा, बहुत कष्ट है। और ऐसे जो स्थिर बैठ नहीं सकते उनको पढ़ना, जो 5 मिनट मैंने शांति से बैठे रहे ये शायद असंभव। मेरे लिए काम आसान है, आप कम से कम बच्चे तो शांति से दर्द है तो नहीं खेलते, फिर गोटी तो नहीं काटते, शांति से देख तो रहे, ये काम कितना आसान है। आप यहाँ आए जो जानते हैं उसको बताते हैं, आप जानने के लिए बैठे हैं, वहां तो पढ़ने के लिए बैठे हुए नहीं करेंगे,
वो पढ़ने आते नहीं, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए आपको ट्रेंड मास्टर चाहिए वहाँ, इसीलिए इसी बात की ट्रेनिंग है। और देखिए ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा भी आपको बताया गया होगा, बच्चों को कैसे बताएं, फिर बच्चा रो रहा है तो कैसे करें, फिर बच्चा लेट आ रहा है उसके साथ कैसा व्यवहार करें, ये नॉन बी एड पर्सन को नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा लेट आते ही नहीं, हमारे यहाँ तो बाप आते हैं, बाप बच्चा पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग होती, बाप तो पढ़ा पड़ा। इसलिए मेरा काम बहुत ऐसा है, आपका काम आगे कठिन, आपका काम कठिन कठिन इस बात पर कि आप बड़े कठिन लेवल पर जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आपको उनको अब ये बताना हो तो आपको यही बताना पड़ेगा कि भाई अभ्येता का मतलब क्या। यदि उनको भी हम श्लोक बताने लगे जो भी आपको श्लोक में बताएंगे, घड़ी में लिखा है किताब खोलिए, सदृशम दृष्टि केशो, सदृशम त्रिशुलिंगेशो सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नभ्येति तदव्ययम्, यन्नभ्येति तदव्ययम्। जो व्यय नहीं होता तब माने वह अतत के नाम में आ है वही अव्ययम्, तत् अव्ययम् वह अव्यय है। यत् ताको ना हो गया, अभी ना आ रहा था। यत् ना व्येति जो नहीं व्यय होता अर्थात जो कभी नहीं घटता जो कभी नहीं बढ़ता तत् माने वह अव्यय, वह क्या है। और इसी को कहा पहले पहली लाइन में कहा सदृशम त्रिष्टु सदृशम, सदृशम माने समानम, समानम माने बराबर, त्रिशु माने तीन, लिंगेश माने लिंगो, लिंग कितने कौन कौन। तो त्रिशु लिंगेश का मतलब हुआ जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में सदृशम वो अव्यय, वो क्या। तो सदृशम त्रिशुलिंगेशु और आगे लिखा सर्वासु च विभक्तिषु, क्या लिखा सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु माने सर्वासु सप्तमी का बहुवचन, विभक्तिषु सप्तमी का बहुवचन, लिंगेशु में सप्तमी का बहुवचन और त्रिशु में भी सप्तमी का बहुवचन। तो त्रिशुलिंगेशु सदृशम सर्वासु विभक्तिषु च सदृशम तद्व्ययम् वह अव्यय। तो सर्वासु विभक्तिषु सभी विभक्तियों में सप्तमी करते नहीं पेपर, तो सर्वासु माने सभी, विभक्तिषु माने विभक्तियों में, विभक्तियां कितनी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, बोलो हाँ। इन सातों विभक्तियों में सर्वासु विभक्तिषु और त्रिशुलिंगेशु अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में और प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इन सातों विभक्तियों में तो सदृशम जो क्या है, सदृशम माने समान। और कहा वचनेषु च सर्वेषु, वचने वचनेषु च सर्वेषु, सर्वेषु वचनेषु सदृशम त्रिषु लिंगेषु सदृशम और सर्वासु विभक्तिषु सदृशम। यत् माने जो न भेदि नहीं वे होता तत् माने वह अव्यय, वो क्या है। समझ में आ गया त्रिषु लिंगेषु मतलब, सर्वासु विभक्तिषु मतलब और सर्वेषु वचनेषु मतलब, तीनों लिंगों सातों विभक्तियों और तीनों वचनों जो कभी भी व्यय नहीं होता, ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, वह वो क्या है। अब देखना रामा रामौ रामा, आप वचन से देखना ये एक वचन है, ये द्विवचन और ये रामा, हमें एक वचन रामों में द्विवचन, रामा हमें बहुवचन, वचनेषु च सर्वेषु सदृशम् अव्यय की परिभाषा है जो सभी वचनों में समान रहे,
तो एक में लिखा है रामा, दूसरे में रामो, तीसरे में रामा, वचनेषु सर्वेषु सदृशम है। जब सर्वेषु वचनेषु सदृशम नहीं है तो इसका मतलब यह भेद है। बोलो हाँ, ये सारी परिभाषाएं सब में लगेंगी। बोलो हाँ, अब आप ये कहें बालका और क्या कहें बालिका। बालका में कौन सा लिंग और बालिका में, यहाँ लिखा है कि त्रिषु लिंगेषु सदृशम, त्रिषु लिंगेषु सदृशम, तीनों लिंगों में जो समान। यदि बालका पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में भी बालका हो, नपुंसक लिंग में भी बालका हो, तब ये अव्यय होता। तीनों लिंगों में समान नहीं है। और ये तो बालका बालको बालका, बोलो हाँ, बालिका बालिके और बालिका, ऐसा चलता है कि नहीं? इसमें एक ये वचन में भी समान नहीं, लिंग में भी समान नहीं है। और इसी बालक का द्वितीया में बनेगा बालकम, तृतीया में बनेगा बालके, बोलो हाँ, चतुर्थी में बनेगा बालकाय, बोलो हाँ, पंचमी में बनेगा बालका, बोलिए आप, बालकश बालके। लिखा है सर्वासु विभक्तिषु सदृशम, सभी विभक्तियों में जो समान हो, कहीं बालका कहीं बालकम कहीं बालके कहीं बालकाय कहीं बालका कहीं बालकस्य कहीं बालके, इसी विभक्ति में समान नहीं है। बोलो हाँ या ना, अर्थात ये पद अव्यय नहीं, अव्यय होने के लिए तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में समान रूप ही चाहिए, वही पद अव्यय हो। बोलो हाँ या ना। अब जैसे मान लीजिए अत्र तत्र या पुत्र या अन्यत्र या यथा या तथा, ये सारे पद अव्यय हैं, क्योंकि इनका रूप आपने नहीं सुना होगा कि अत्रह अत्रौ अत्राह अत्रम अत्रौ अत्रान अत्रेण अत्राभ्याम, ऐसा नहीं चलाए, चलाए नहीं चलाए। अर्थात ये सभी विभक्तियों में अत्र अत्र ही रहेगा, इसका कोई रूप नहीं चलेगा। बोलो आया ना। अब ऐसे उदाहरण के जैसे कहें बालकः अत्र अस्ति, बोलिए हाँ, और यहीं पर देखना बालिका अत्र अस्ति, अत्र माने यहाँ। अब इसका अर्थ होता है बालक अत्र अस्ति, बालक यहाँ है, बालक यहाँ, ये पुल्लिंग के साथ अत्र आया है तब भी अत्र ही, और ये स्त्रीलिंग के साथ अत्र आया है तब भी अत्र अत्र ही है। अर्थात अत्र के लिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब बालका के साथ था तब भी अत्र था, जब बालिका के साथ है तब भी अत्र है, यही है त्रिशूलिंगेश। मान लो आप ये कहें मित्रम नपुंसक लिंग में, बोलो हाँ, मित्रम अत्र अस्ति, बोलो हाँ, मित्रम अत्र अस्ति, मित्रम नपुंसक लिंग, मित्रम के साथ जब अत्र आया तो भी अत्र जैसा था वैसा, इसीलिए अत्र अव्यय, इसीलिए अत्र क्या है, सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों सब में समान है। बोलो हाँ। अथवा मान लो इसी को आप ऐसे कहें कि बालकौ अत्रस्ता, तो बच्चों को बालक यहाँ है, बालकौ यहाँ पर वचन बदला, एक बालक था, जब बालका था तब भी अत्र था, और जब बालकौ हुआ तब भी अत्र, अर्थात लिंग बदला, बालक को बालिका हुआ तब भी अत्र अत्र था। बोलो हाँ या ना। और जब बालक द्विवचन में था तब भी अत्र था, और जब बालक द्विवचन में हुआ तब भी अत्र है, या कहें कि बालकाः अत्र सन्ति, बालकाः बहुवचन हो गया, वचन बदला, बालक का बदला, अत्र का नहीं बदला, ना तो अत्र का वचन बदला, ना तो अत्र का लिंग बदला, ना तो अत्र की विभक्ति बदली, तब अव्यय की तीनों परिभाषाएं इसमें लागू हुई। अर्थात ऐसा पद या ऐसा शब्द जो किसी भी विभक्तियों में ना बदले, जो किसी भी लिंग में ना बदले, जो किसी भी वचन में ना बदले, वो अव्यय। इसीलिए अत्र अव्यय, तत्र अव्यय, कुत्र अव्यय, अन्यत्र अव्यय, सर्वत्र अव्यय, यदा अव्यय, तदा अव्यय, कदा अव्यय, सारे पद, हुए सारे पद जो जो जिसके ऊपर लिंगों का कोई असर ना, या आप कह लीजिए अलिंगी,
ना लिंगम इति अलिंगम, जिसमें कोई लिंग नहीं। अब ये जनरली पूछे कि भाई अब ये पदों का क्या लिंग, अरे अब ये पदों का क्या लिंग, तीन लिंग होते हैं, आपको लिंगे कहना तो नपुंसक लिंग कहिए, पर बेहतर जानिए कि अब ये पदों में कोई लिंग नहीं, जिसके ऊपर लिंगों का असर नहीं होता वही अव्यय होता, जिनके ऊपर विभक्तियों का कोई असर नहीं वही अव्यय होता है, जिनके ऊपर वचन का कोई असर नहीं वही अव्यय होता। यदि लिंग का असर होने लग जाए, यदि वचनों का लिंग का विभक्तियों का असर उस पद के ऊपर पड़ने लग जाए तब वो अव्यय ही नहीं। बालक पद है बालका बालकों बालका, इसमें विभक्ति का असर है, इसमें वचन का असर है, बालक एक वचन है, बालकों की वचन है, बालका बहुवचन है। यदि वचन का और यदि विभक्ति का और यदि लिंग का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ रहा है, समझना वो अव्यय नहीं है। बोलो अव्यय नहीं, इसीलिए हम आत्मा को अव्यय कहते हैं, ईश्वर को अव्यय कहते हैं, अव्यय आत्मा तो ईश्वर। अव्यय आत्मा का मतलब आत्मा ना कभी घटती है ना कभी बढ़ती है। बोलो हाँ, इसीलिए आत्म तत्व को अव्यय कहते हैं, परमात्म तत्व को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय ब्रह्म को दर्शन वाले अव्यय किसको कहते हैं, ब्रह्म को। ब्रह्म अव्यय है, उसके ऊपर सुख का, उसके ऊपर दुख का, उसके ऊपर बारिश का, ठंडी का, गर्मी का, किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए तो ब्रह्म है, इसलिए तो ईश्वर है। तो अव्यय परिभाषा दी गई, अव्यय आत्मा, आत्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को हम अव्यय इस विशेषण से कहते हैं। तो वही अब यहाँ पर व्याकरण शास्त्र का अव्यय दर्शन के अव्यय से माना की अलग है, और जो साहित्य का अव्यय है, व्यय माने खर्चा होना, अव्यय माने ना खर्चा होना, तो साहित्य में अव्यय का अर्थ ना खर्चा होना हो सकता है, लेकिन व्याकरण शास्त्र ने अव्यय की ये परिभाषा बताई कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सदृशम सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु आपको सुना समझ लो तो सुना लो, समझना है कि त्रिषु लिंगेषु सदृशम, सर्वासु विभक्तिषु सदृशम और सर्वेषु वचनेषु सदृशम, यह नव्य तदव्य, इसको समझना है और समझ के बोल। बोलो हाँ, बोलो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नप्येत तदप्येत, कर लेंगे इसको। बोलो हाँ है ना, और जो कभी ना घटे ना यथा यथा था तथा तथा ही रहेगा, अत्र अत्र ही रहेगा, तत्र तत्र ही रहेगा, उसमें ना कोई घटोत्री ना कोई बढ़ोतरी। बोलिए हाँ है ना, कर लेंगे इसको। स्कैन कर दो अपनी आंखी से, फोटो खींच लो, तो मेमोरी में सेव कर लो, चाहे दिल की मेमोरी में चाहे दिमाग की मेमोरी, और ये तुम्हारा डेरा बाइक होना चाहिए, इसका पैमाना इतना होना चाहिए कि कुछ भी भर लो भरी नहीं जानी चाहिए। मान लो कुछ गड़बड़ चीज कुछ जीवाणु विषाणु भर गया हो, स्कैन कर ले आया ना, कर लेंगे ना। चलिए एक साथ बोलेंगे, जितने पुल्लिंग होंगे पहली लाइन बोले, जितने स्त्रीलिंग होंगे वो दूसरी लाइन बोले, तो फिर से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम ये भी देखेंगे कितने लड़के लड़की हैं, कितनी लड़कियां हैं, ध्यान से पूछना। ये पहली लाइन पुल्लिंग थी, दूसरी लाइन स्त्रीलिंग थी, फिर तीसरी पुल्लिंग थी और चौथी स्त्रीलिंग थी। इसके बाद चारों श्लोक चारों लाइनें बोलेंगे जो नपुंसक लिंग में होंगे। पहली लाइन एक, दो, तीन,
बहुत बढ़िया, फिर से एक बार बोलने में सावधान होना है, एक दो तीन बोलेंगे, पहली लाइन बोलेंगे, ठीक है, एकम दो त्रीन तीनों लिंगों सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हुए समझ में आ गया। नव द्वयम इति अव्ययम, ये भी आपने करना, जिसमें व्यय ना हो, जिसमें कोई कटौती बढ़ोतरी ना हो, वो अव्यय है। अर्थात जो व्यय खर्च यानी खर्च पर यानी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता, अर्थात हमेशा ज्यों का त्यों यथावत स्थिति में रहता है, वही अव्यय पद कहा जाता है। या अभिकारी के लिए भिखारी में विकार आता है और अभिकारी में कोई विकार नहीं आएगा। कर लेंगे इसको, यही बात अभी आपसे चर्चा कर रहे थे। अव्यय पदों का रूप नहीं चलता, मोटी मोटी बात जो आपको सीखनी है, अव्यय पद हमेशा एक ही जैसे, बाइक रूप चलते हैं विभक्तियों में और रूप चलते हैं वचनों में और रूप चलते हैं लिंगों में। भाई रूप वो पुल्लिंग में होगा या स्त्रीलिंग में, दूसरे लिंग में, या प्रथमा में द्वितीय में विभक्तियों में रूप चलेगा, और या तो रूप चलेगा एक वचन द्विवचन बहुवचन में। तो यार जब रूप ही चलेगा अव्यय का, तो फिर उसके लक्षण का कोई मतलब नहीं, क्योंकि शब्द रूपों में लिंग विभक्ति और वचन ही तो होता है। किसी भी शब्द रूप या धातु रूप में आप किसी भी रूप को लेंगे तो जनरली विभक्ति तो सब में रहेगी ना, लिंग रहेगा, वचन रहेगा, एक वचन द्विवचन, ठीक है। तो इसीलिए अव्यय पदों का रूप नहीं चलता, ये बात वही है जो देश में आप पढ़ रहे हैं, उसी का साथ एक लाइन में कहना हो तो यही। फिर कहा जैसे यथा अत्र तत्र किं कुत्र कदादि स्वरादि निपात मध्यम शोधे स्वर आदि शब्द तथा निपात शब्द अव्यय होते। एक सूत्र दिया पाणी ने, तो एक पाणी ने ना स्वरादि गण बनाया, कौन सा गण बनाया, तो स्वरादि गण में पाणिनी ने कुछ शब्दों का संकलन किया। तो ये सूत्र सिर्फ ये कहता है कि स्वरादि गण में हमने जितने शब्द गिने, याद रखना स्वरादि गण में कोई भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण का पद नहीं, पाणिनि ने अपने संस्कृत में जितने स्वरादि निपात मध्यम जो लिखा, तो एक गण बनाया स्वरादि गण। गण आपको बनाया ना कि जैसे शिवादि गण, तो मान लीजिए एक समूह बनाया शब्दों का, पाणिनि ने एक समूह बनाया, उसमें कुछ शब्दों को ऐसे ऐसे संकलित। अब इसमें जितने शब्दों को उन्होंने संकलित किया उसको लिख दिया, हम जो स्वरादि गण में जितने शब्द लिखे हैं वो सब अव्यय। इसका मतलब स्वरादि गण में पाणिनि ने केवल अव्यय पद ही गिने। आपको पता ना कि पाणिनि अष्टाध्याय भी लिखते हैं, पाणिनि गणपाठ भी लिखते हैं, पाणिनि ने कुछ शब्दों का समूह बना के रखा है, तो पाणिनि ने जो स्वरादि गण बनाया उसमें यही पहला शब्द है स्व, क्या है, जैसे स्वाहा अंतः प्रातः पुनः उच्चैः। अब इन आदि में और बहुत सारे शब्द, सबको यहाँ लिखा नहीं जा सकता था, ये मेन मेन जो आपकी परीक्षा में हो सकता है उनको हमने कहा, तो उच्चई नीचई शनई प्राता ये सब किस गण में है, स्वरादि गण में। अब सूत्र क्या कहता है कि स्वरादि गण में पढ़े गए बताए गए लिखे गए सारे शब्द अव्यय है। इसका मतलब स्वरादि गण में अव्यय के सिवाय और कुछ है ही बोलो। हाँ, स्वरादि गण में पाणिनि ने वो गण ही इसलिए बनाया था कि सभी ऐसे शब्दों को छांट के लिख दें कि भाई साहब ये सब अव्यय। तो एक बहुत बड़ा अव्यय का ठिकाना आपको पता चल गया, पाणिनि ने बता दिया कि भैया जो स्वरादि गण में देख लो जो उसमें 150-200 शब्द है वो सब अव्यय, ठीक हो गया। और निपात शब्द भी, निपात जैसे चा हो गया, हा हो गया, वही हो गया, कुछ एक एक अक्षर वाले निपात हैं जो कभी कभी भाषा में आते हैं, बोले निपातों को क्या कहें, बोले निपात भी अव्यय। निपातों को भी एक जैसे माने ना तो संज्ञा
ना तो वो सर्वनाम, ना तो क्रिया है, ना तो विशेषण है, वो क्या है? बोले अभी क्या है वो? तो आपने देखा स्वराधिकरण में पढ़े गए सारे शब्द अव्यय हैं और कृपात भी जो है वो सब क्या है? आपको जानकारी के लिए जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो अव्यय बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप पट से तुमोल लगाएंगे ना तो पढ़े तो पढ़े क्या बनेगा? तो पाणिनि ने कहा कि नुन प्रत्यय जिसमें भी लगेगा वो अव्यय बनेगा। क्या बनेगा? पट लिखो, लेख लिखो, चल लिखो, गंध लिखो, भाव लिखो, ये सारा जिसमें भी तुम लग जाएगा वो सब क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ऐसी पाणिनि बताया जिसमें त्वा लगा देंगे त्वा तो सब अव्यय हो जाएगा। तो पठित त्वा, लिखित त्वा, चलित त्वा, गत त्वा, नीत त्वा, भूत त्वा। ध्यान रखना ये स्वराधिकरण में नहीं, यदि पठित त्वा लिखित त्वा स्वराधिकरण में होता तो अपने आप अव्यय बन जाता। स्वराधिकरण में नहीं था, पट धातु थी, पट धातु से तुम्हें लगा पट तुम बना। तो बोले ये ना तो विशेषण है, ना तो विशेष्य है, ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना क्रिया है, ना क्रिया विशेषण है, पद तो है, शब्द तो है। तो बोले ऐसे शब्दों को कहाँ लिखें, कहाँ गिनें, क्या बोले? तो बोले इनको अव्यय बोल। क्या बोलो? क्या बोलना है अव्यय? तो आपको ये भी शायद सवाल पूछ ले कि तुमन प्रत्ययांत पद क्या कहे जाते हैं या त्वा प्रत्ययांत पद क्या कहे जाए? बात समझ आ गई? ऐसे ही व्यप प्रत्यय वाला होगा ना जिसे पूरा लग जाएगा और आप प्रपंच बनाएंगे तो प्रपंच इत्यादि व्यप प्रत्ययांत पद भी लगे। पहले ये तीन तो आप जाने रही है, बाकी हम प्रत्ययों को जब चर्चा करेंगे तो आपसे बताएंगे। तुमन त्वा और तुमन त्वा और व्यप ये प्रत्यय भी जिनसे जुड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अव्यय बना। क्या बनाएंगे? कोई दिक्कत कर लेंगे ना? अब ये नहीं कि साहब कहीं प्रत्यय लगाओ तो अव्यय बना दो, किन लगाओ तो अव्यय बना दो, अनियत लगाओ तो नहीं। अभी आपको जितना तीन बताया गया प्रत्यय और भी है लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं। अभी अव्यय वाले प्रत्यय और भी होंगे, उनकी जरूरत है, तीन आपकी जरूरत है। पठितुम, पठित्वा, प्रपठ। अब ऐसे ही केवल मैं पठितुम को उदाहरण दिया, लेखितुम, चलितुम, गंतुम, भवितुम, नेतुम, सब जिसमें भी तुमन होगा सब अव्यय। तो अव्यय आप नहीं गिन पाओगे, काहे नहीं गिन पाओगे? 2000 धातु सबसे तुमन लगेगा, सबसे अव्यय बनेगा। ऐसे 2000 धातुओं से त्वा लगाओगे सामने लगेगा अव्यय बन जाएगा। ऐसे जब लगाओगे उपसर्ग लगा लगा अव्यय बन जाएगा। तो अव्यय आप पूछे जैसे उपसर्ग सर 22 है, अव्यय बता दो कितना है? तो अव्यय तुम गिनो हम तो नहीं बोलो। हाँ बस ये जान लो कि इस परिभाषा में जो आए यानी तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में जो समान रहेंगे ऐसे सारे पद अव्यय है। इसलिए पाणिनि भी अव्यय नहीं गिनते, वो परिभाषा बता दिए और बोले इस परिभाषा के अंतर्गत जो समाज आए वो सब अव्यय है। और समझ लो कम से कम 10-20 हजार को आराम से हो सकता है। बोलते इतना कहेंगे तो 2-3 हजार तो बच पाए, तो ये गणित नहीं है। पर आपको 10-20-25 अव्यय ही पढ़ना। तो 10-20-25 माने बहुत पॉपुलर जो बड़े प्रसिद्ध है, बड़े फेमस अव्यय है, अव्ययों में जिनकी चलती है गुंडई, ऐसे गुंडा अव्ययों को देखना। बोलो हाँ, ऐसी भारत में अरबों की संख्या है, अरबों पर 10-20-25-50 आदमी ही दुनिया में जाने जाते। बोलो हाँ, अरे भाई दो चार कोई यूरोप का लोग जाना तो है, विदेश की बात, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो दुनिया में भारत को जानने वाले लोग ऐसा नहीं कि नहीं, पर 4-6-10-20 लोग जिनकी भारत में गुंडई चलती है उन्हीं लोगों को जैसे मोदी गुंडा इसको लोग दुनिया में जानते होंगे, मुकेश अंबानी को लोग जानते होंगे, अमिताभ बच्चन को लोग जानते होंगे, बोलो हाँ, विराट कोहली को लोग जानते होंगे। तो जब आप ऐसे गिनेंगे भारत में कि कितने गुंडा, तो इस तरह की जिनकी धाक है, जिनकी भारत में चमक है और जिनकी विश्व में भी चमक है, ऐसे 10-20-25-50-100 आदमी आपको आदमी है, कोई भी इनका जोड़ा होगा। मेरा ये कहने का मतलब कि और भी तो हैं, इसके अलावा और भी तो हैं, हम आप भी तो हैं।
ऐसे ही बोले किसको पढ़ना है तो ऐसे ही।